रिसेंटली महाराष्ट्र में चल रही पॉलिटिकल क्राइसिस आप सभी ने देखी ही होगी। इन्हीं कुछ रीजंस के वजह से महाराष्ट्र की इमेज पॉलिटिकली अनस्टेबल होने लगी है। इसी क्राइसिस के साथ साथ वेदांता और फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट जो महाराष्ट्र में होने वाला था वो अब गुजरात में शिफ्ट हो गया है। इन सब भीषण चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद महाराष्ट्र के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हैं कि वो महाराष्ट्र की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन का टारगेट हासिल कराने के लिए सक्षम है। आज इस वीडियो में इन्हीं कुछ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, पर इससे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया है कि वो महाराष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र इंडिया का वो स्टेट है जिसकी देश में सबसे बड़ी इकोनॉमी है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी इस वक्त 366 बिलियन डॉलर की है और पर कैपिटा इनकम 3,600 डॉलर्स है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों से बड़ी है और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहती है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कौन सबसे पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएगा, जैसे तमिलनाडु, यूपी और गुजरात। ये वो स्टेट है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 लाख करोड़ रुपीज़ स्पेंड करने वाली है। 6 लाख करोड़ रुपीज़ इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर मैं किसी से कंपेयर करूं तो बिहार की इस वक्त की इकोनॉमी 7.5 लाख करोड़ रुपीज़ की है और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही 6 लाख करोड़ रुपीज़ स्पेंड कर रही है। तो आप अमाउंट कंपेयर कर सकते हो, 6 लाख करोड़ रुपीज़ छत्तीसगढ़ और झारखंड की इकोनॉमी से भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये 6 लाख करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करेगी? ये सब पैसा जाएगा एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, रेलवेज और पोर्ट बनाने के लिए। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी बहुत सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम चालू हैं, जैसे कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे यानी कि समृद्धि एक्सप्रेसवे, मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज और मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक। गवर्नमेंट का कहना है कि हम महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को 6 से 8 लेन के एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि हम पूरे 9 एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जिसमें से कुछ उन्होंने बताए हैं, जैसे पुणे नाशिक को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाएंगे, महाराष्ट्र की कोस्टल एरिया को अच्छे से जोड़ने के लिए मुंबई को महाराष्ट्र का कोंकण एरिया जो है उसे 6 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। ये पनवेल के आसपास से शुरू होगा और सावंतवाड़ी तक एक्सप्रेसवे बनाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 80,000 करोड़ रुपीज़ खर्च होंगे। गवर्नमेंट ने ये पूरे जो 9 एक्सप्रेसवे बनाएगी उसके लिए गवर्नमेंट का कहना है कि इसको बनाने में पूरे 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च होंगे और उसके साथ रेलवे एयरपोर्ट अपग्रेड करेगी। और पिछले साल ही आपने न्यूज़ सुना होगा कि गवर्नमेंट ने पुणे को भी वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 73,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड करने वाली है। 6 लाख करोड़ रुपीज़ महाराष्ट्र पे खर्च करना है, इसकी प्लानिंग 2014 से गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन बीच में ही लॉकडाउन और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने के कारण ये प्लान डिले हो गया था। अब गवर्नमेंट ने वापस इस पर काम करना चालू किया है। अगर इन सारी प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है तो महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लेगा और महाराष्ट्र वो स्टेट बन जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। एक्सप्रेसवे के मामले में यूपी को ओवरटेक कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।